very good morning to all of you my dear students of class 9th in the last slide we read about the peace treaty of versailles that was the simple treaty for each and every citizen of germany it was also the cause of birth of second world war and also the cause of rise of adolf hitler who formed a large dictatorship in germany so in this slide we will read about the effects of the war yani first world war प्रभाव पड़े पूरे विश्व पर इसको हम लोग देखने वाले हैं इस स्लाइड में सो वॉट एवर द विनर और लूजर इन द दार मे बी इन द मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार बट द इम्पैक्ट और द बैड इफेक्ट ऑफ दिस वार वज वर्ल्ड वाइड सब पर पड़ा चाहे वो जीतने वाले हों या हारने वाले हों ऐसा नहीं है कि जीतने वाले के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ऐसा नहीं था सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा द वार हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कंटिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिनंशियली पूरे कंटिनेंट पूरे उस द्वीप पर आप कह सकते हो पूरे यूरोप में इसका काफ़ी ज़्यादा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ा देश कंगाल हो गए इस लड़ाइयों में है न सो फ्रॉम अ कंटिनेंट और क्रेडिटर यूरोप टर्न इंटू वन ऑफ द डेविटर्स सोचो जो देश जिसकी कभी तूती बोलती थी आर्थिक मामलों में जो दूसरे को संसाधन मुहैया कराता था आज वो खुद कर्ज में डूबा हुआ था अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द sins ऑफ द ओल्ड एम्पायर पिछली गवर्नमेंट ने पिछले एम्पायर में जिन्होंने जो पाप किया उस सरकार के पाप को धोना पड़ रहा था इस नए जन्म लिए हुए वेमर रिपब्लिक को न्यूली बॉर्न वेमर रिपब्लिक हैड टू पे देंस ऑफ द ओल्ड रिजाइम और एम्पायर दोज हुड द वेमर रिपब्लिक मैनली सोशलिस्ट कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स वी केम ईजी टारगेट्स ऑफ द अटैक इन द कंजरवेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स जिन्होंने भी इस वेमर uh, रिपब्लिक का समर्थन किया था जैसे सोशलिस्ट कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स वे इजी टारगेट पर आ गए जैसे ही कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आई इजी टारगेटेड इट मीन्स जो लड़ाइयाँ हुई जो इसके बाद जो डिक्टेटरशिप uh, में उसमें उनको इजी टारगेट किया गया स्टूडेंट्स है ना दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स उनको uh, मतलब कि हिडन रूप में उनको क्रिमिनल्स की नज़र से देखा गया कि इन्हीं के कारण ये नवंबर क्रिमिनल नवंबर क्रिमिनल्स कहने के पीछे ये कारण था कि इन्हीं के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ या फिर जर्मनी को वर्षाई की संधि भी झेलनी पड़ी थी क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इन्हीं के आपस की लड़ाइयों की वजह से इसलिए इनको नवम्बर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबॉव सिविलियंस यानी सोल्जर्स का जो स्थान था सोल्जर्स का जो दर्जा था वहाँ के नागरिकों से ज़्यादा दिया गया सिविलियन से ऊपर उनको रखा गया रखना जरूरी भी था क्योंकि ये ही तो थे जो देश के लिए लड़ रहे थे और मर रहे थे पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन यानी जो पॉलिटिशियंस थे और पब्लिसिस्ट जहाँ के थे दे हैड टू लीव अ ग्रेट स्ट्रेसफुल लाइफ क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी उनको इस एग्रेसिव जनता का सामना करना पड़ रहा था उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये लोग इनको ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस देश की दशा के लिए या फिर यूरोप की दशा के लिए द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ ट्रेंच लाइफ एक ऐसा जीवन होता था जिसमें सैनिकों को गड्ढे में छुप करके लड़ाई करनी पड़ती थी बरसात के दिनों में सांप वगैरह जो थे उसमें भर जाते थे कीचड़ भर जाता था कई बार खाने को नहीं मिलता था फिर भी उनको इस लाइफ को जीना पड़ता था काफ़ी कठिन लाइफ था और मीडिया में ये पब्लिश किया गया मीडिया ने इसको हाईलाइट किया ग्लोरीफाइड किया द ट्रूथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ इन दी स्ट्रेंचेज मैंने कहा ना कि इसमें वो काफ़ी कठिन जीवन जीते थे हमारे सोल्जर्स ट्रैप्ड विथ रैट्स है ना कॉर्पेसिस uh, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वो चूहे पकड़ करके जब उनको भोजन नहीं मिलता था तो उसको भी वो मार कर खाते थे दे फेस्ट पॉइजनस गैस एंड इन एमी सेलिंग एंड वीटनेस दैट रैंक्स रिड्यूस रैपिडली यानी कहने का मतलब क्या है कि उनकी स्थिति जो थी वो दिन पर दिन गिरती जा रही थी दुश्मनों की गोलियों का सामना करना पड़ रहा था दुश्मनों के गोले बारूद को झेलना पड़ रहा था और ट्रेंच लाइफ जीना पड़ रहा था तो यानी इसको मीडिया में ग्लोरीफाइड किया गया कि भाई देखो ट्रेंच लाइफ कैसा है और किस तरह से हमारे सैनिकों को बदहाल जीवन जीना पड़ रहा है डेमोक्रेसी वाज वॉज अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया जो ये न्यू वेमर रिपब्लिक वगैरह की बात हम लोगों ने की ये जो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक आइडियाज़ थे वो बिल्कुल नए थे है ना न्यूली बॉर्न थे फ्रेजाइल आइडिया था जो लोगों के मन में अभी चढ़ा नहीं था लोग इसके बारे में उतना जानते नहीं थे विच कुड नॉट सर्वाइव द इन स्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वार यूरोप जो यूरोप में इंटर वार यानी आंतरिक जो लड़ाई चली फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला उसको ये झेल नहीं सकता था उसमें वो स्टेबल नहीं हो सकता था क्यों बिकॉज इट वॉज अ वेरी यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच